नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर के काकादेव स्थित हॉस्टल की महिला केयरटेकर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात के आरोपी कुलदीप उर्फ अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एडीसीपी आरती सिंह ने इस पूरे मामले पर बताया कि साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराओं में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक रेप की वारदात के बाद आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट और उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया था, जिससे महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में पहले 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 376A धारा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 13 तारीख की रात काकादेव थाना क्षेत्र में बने गर्ल्स हॉस्टल की महिला केयरटेकर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। होती है तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया, उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर 376A धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि चार लोग आए थे वहाँ, जाहिर सी बात है प्लानिंग थी कि दो लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद दो लोग वहाँ रह गए, अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे चार लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है, और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मृतक की बेटी ने बताया कि वो दो और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब एक घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए, तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर क्या है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है, तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है, और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था, और उसी के टी शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। दीपक यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, हॉस्टल के केयरटेकर की हैवानियत की जाती है, उसके साथ फिर हत्या कर दी जाती है उसकी। इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए दीपक, क्या आखिर पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? मुस्कान, आपको बता दें, पूरा मामला काकादेव थाना अंतर्गत का है, जहां पर जो है 13/14 की रात की घटना है, जहां महिला हॉस्टल की जो है महिला वार्ड का जो है उसके कमरे में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उसका शव मिला, अलग बेहोशी हालत में मिला, और इसके बाद उसकी बेटी वहां पहुंची। पहुंचने के बाद उसने अपने भाई को सूचना दी, सूचना देने के बाद उसको जो है हैलट अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान महिला वार्डन की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने तहरीर दी, तहरीर के देने के बाद पुलिस ने जो है 302 की धारा पे मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके पहले जो मृतका की बेटी थी, उसने कई सारे गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए, और जो वार्डन थे, जो दूध देने आता था, जो आरोपी कुलदीप यादव का नाम बताया जा रहा, कुलदीप यादव उर्फ अर्जुन यादव, उस पर बेटी ने यह शंका जाहिर की थी कि पहले जो है माँ के साथ कोई संदिग्ध घटना हुई है और इसके बाद इनकी हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से कमरे पे छींटे मिले खून के, इसके बाद सारी घटनाक्रम पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जांच करने पहुंची, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ये बता नहीं सकी कि आखिर मौत कैसे हुई है। इसके बाद 3 डॉक्टरों का पैनल बना, फोटोग्राफी के साथ जो है महिला का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई कि महिला के साथ पहले रेप हुआ, उसके साथ हैवानियत हुई, इसके बाद उसके जो है भारी वस्तु से वार किया गया, इसके बाद उसकी हत्या हुई।
पूरे प्रकरण की जानकारी हुई, पुलिस ने दर्द जो है जांच की और इसके बाद परतें खुलती चली गई लगातार। और इसके बाद कुलदीप यादव जो बताया जा रहा है और उर्फ अर्जुन यादव उसको हिरासत में लिया गया। इसके बाद उसके जो साथी थे उनको भी हिरासत में लिया गया और घटना का आज खुलासा किया। घटना का खुलासा करते हुए एडीसीपी ने बताया कि उसके साथ पहले रेप हुआ, इसके बाद उसकी हत्या की गई है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी में देखा गया कि देखिए ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है इसमें कई अन्य साथियों को भी बताया जा रहा है आरोपी के कि हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये जो पूरी हैवानियत महिला के साथ की गई है जिसके बाद महिला की हत्या हो गई है, क्या इसके पीछे कोई रंजिश है या फिर क्या वजह बताई गई जो आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? देखिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर हत्या और हैवानियत के पीछे क्या कारण है, लेकिन वही पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इसकी भी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर यह हैवानियत और हत्या क्यों की गई है। पुलिस का यह कहना है पहले वहां पार्टी हुई है, फिर एक के बाद एक लोग निकलते गए हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आरोपी जो है कुलदीप यादव उसी को बनाया गया है और पुलिस के हिरासत में, बाकी अन्य भी साथी उसके हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद जो भी सामने बातें निकल के आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में लोग निकलते और आते हुए कैद हुए हैं, तो उसके बाद पूछताछ की वजह क्या है, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है बाकी अन्य लोगों की? बिल्कुल सवाल सही है, जिस तरीके से पुलिस का कहना है, बताना भी है पुलिस का, सीसीटीवी में दिख रहे हैं लोग निकलते हुए बारी बारी से। वही मृतक की बेटी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद भी पुलिस अभी ये कह रही कि जांच की जाएगी और जो लोग हिरासत में उनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद ही इनको आरोपी बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि 302 के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 376 ए की धारा बढ़ाई गई है। पुलिस का अभी भी कहना है दीपक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर लखनऊ से है जहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। दरअसल ये पत्र चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने लिखा है जिसका विषय मदरसों की मान्यता पर है। इस पत्र में यूपी के मदरसों के सर्वे का भी जिक्र किया गया है। इफ्तिकार ने लिखा कि गैर मान्यता मदरसों का जो सर्वे हुए एक साल हुआ है, 8 सालों से मदरसों की मान्यता नहीं हुई है, 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और बता दें कि मदरसों में 90 से 95 बच्चे पसमानदा समाज के हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को पूरे एक साल पूरे हो गए। एक साल सर्वे की रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक इसकी समीक्षा लगातार चल रही है। अगर समीक्षा पूरी हो गई है तो शासन से भी मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने लिखा है कि उस समीक्षा के आधार पर उन मदरसों को जो 8,500 की तादाद में है उनको मान्यता दिया जाए। 8,500 मदरसों में 7.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 90 से 95% बच्चे पसमानदा समाज के हैं। अब खबर गाजियाबाद से है जहां दीपावली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने से धुंध छाई रही, हवा में जहर होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं एमएमजी अस्पताल में संयुक्त अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में सांस के मरीजों की संख्या ज्यादा रही। वहीं सीएमओ डॉक्टर भापते शंकर धर्म ने बताया कि जिला अस्पताल और नगरीय पीएचसी पर 294 सांस के रोगी पहुंचे हैं। इसके अलावा बुखार के 138 और 123 बच्चे भी बीमार पहुंचे हैं। सैनिक गांव के अवतार सिंह ने बताया कि धुंध बढ़ने से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो वीडियो में 134 सांस के मरीज पहुंचे हैं। बहराइच से खबर है जहां कोतवाली देहात इलाके में लखनऊ बहराइच मार्ग पर बसंत कुंज गांव के पास दोपहर एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक में टक्कर मार दी है। इसमें बाइक पर सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के हरदत नगर थाना क्षेत्र के चौबेपुर डीहा गांव का महबूब आलम बाइक से कोतवाली देहात के मरौजा जा रहे थे। बाइक पर पीछे गांव के रोज अली और लल्ला बैठे थे। दोपहर 2 बजे लखनऊ बहराइच मार्ग बसंत गांव के पास जैसे ही वो पहुंचे थे, लखनऊ की ओर से तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि महबूब आलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर टिकोरा मोड़ चौकी इंचार्ज अनुराग प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने घायल को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया है।
खबर बहराइच से है, जहां हेमनापुर लोधनपुरवा गांव में खेत की रखवाली करने जा रहे किसान को सांड ने उठाकर पटक दिया। इससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि बौंडी थाना क्षेत्र के हेमनापुर के मजरा लोधनपुरवा गांव के उदयराज खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर सांड ने किसान पर हमला कर दिया। सांड ने सींग से उठाकर किसान को पटक दिया। गांव के लोगों ने लाठी मारकर सांड को भगाया और घायल किसान को उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम प्रधान शुभम अवस्थी ने थाने में सूचना दी। वही हल्का लेखपाल ब्रजेश कुमार सिंह ने भी गांव का मुआयना कर रिपोर्ट तहसील को भेज दी है। गांव के लोगों का कहना है कि भौरी हेमनापुर सिपहिया हुरास संगवा समदा और समेत अन्य गांवों में छुट्टा मवेशियों का आतंक है। अधिकारी मवेशियों को पकड़ तक नहीं पा रहे। हरदोई कलेक्ट्रेट में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पेड़ पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। युवक ने बताया कि वो डीएम से लेकर सीएम तक अपनी समस्या की शिकायत कर चुका है, लेकिन समस्या का समाधान कहीं नहीं हुआ है। सदर तहसील के बघौली का युवक सार्वजनिक रास्ते को लेकर कई बार अफसरों के चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर वो पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि काफी देर हंगामा करने के बाद अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद युवक नीचे उतर आया। विकासखंड अहिरोरी के मोइनुद्दीनपुर के धर्मपाल ने बताया कि उनके गांव के सार्वजनिक रास्ते पर गांव के ही एक शख्स ने दीवार बना दी है, जिसके बाद 4 फरवरी 2019 को तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद उक्त दीवार गिरा दी गई, लेकिन मलबे को वहां से हटाया तक नहीं गया, जिसकी वजह से रास्ते से निकलने में काफी दिक्कत होती है। कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की गई। वहीं 21 मई 2022 को संपूर्ण समाधान दिवस में धर्मपाल ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद 4 जून 2022 को इस मामले की शिकायत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 12 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी धर्मपाल ने इसकी शिकायत की। आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर वो कलेक्ट्रेट में पेड़ पर चढ़ गया। अब खबर हरदोई से है, जहां एक मजदूर को मेहनत का पैसा मांगना भारी पड़ गया है। दरअसल त्योहार पर ठेकेदार ने टाला मटोली कर जब मजदूर को पैसा नहीं दिया तो वो दिवाली के अगले रोज ठेकेदार के पास पैसे लेने पहुंचा, जहां ठेकेदार ने उसे जमकर पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मजदूर को हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 25 वर्षीय मजदूर लल्लन कोतवाली शहर के कौथलिया गांव का रहने वाला था। वो राजू ठेकेदार के अंडर में काम करता था। लल्लन अविवाहित था और 6 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पर था। लल्लन की मां नन्ही सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। मैं पूरे दिनों एक मारपीट की घटना हुई थी, उसी संदर्भ में बता रहा हूँ। ये थाना कोतवाली क्षेत्र कोथोलिया का मामला है, जहाँ पर पैसों को लेने के विवाद में लल्लन सिंह एवं राजू श्रीवास्तव के बीच मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसी संदर्भ में थाना कोतवाली स्तर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान घायल लल्लन सिंह का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, जिसके इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई है। उक्त संदर्भ में थाना स्थानीय स्तर पंचायत तमाम पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे अन्य कार्रवाई। अब खबर रायबरेली से है, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस की पोल खोलते हुए 4 घरों में सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों का सामान गायब कर दिया, लेकिन इस बारे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वही घर के मालिक ने घर में रखा सारा सामान बिखरा हुआ देखा। इसके अलावा अलमारी और लॉकर के ताले भी टूटे हुए मिले, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। वही ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। खबर देवरिया के थाना सुरौली से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को धर दबोचा है, साथ ही लूटी गई सामग्री को भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि व्यापारी ब्रजेश वर्मा देवरिया शहर से जेवरात झोले में रखकर अपनी स्कूटी से वापस घर जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में ही मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अभियुक्तों ने ब्रजेश वर्मा को ठोकर मारकर उनका झोला लेकर फरार हो गए। वही ब्रजेश वर्मा की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी थाना सुरौली पुलिस ने मुखबिर के आधार पर मोटरसाइकिल सवार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जेवरात समेत जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उनको 3
बाइक सवार लोगों द्वारा धक्का मारकर गिरा दिया गया था और कुछ जेवर और चांदी से संबंधित कुछ सामान जो उनके छोले में था वो बैग लेकर ये लोग फरार हो गए थे। इस प्रकरण में सुसंगन धाराओं में थाना सुरौली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण को सक्सेसफुली थाना सुरौली और SOG की टीम द्वारा वर्कआउट कर लिया गया है और इस घटना में जो बाइक पर सवार 3 व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों को और उनके अलावा 2 अन्य व्यक्ति जो इस पूरी घटना में मुखबिरी करने में और योजना बनाने में शामिल थे कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। महापर्व छठ को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गाजियाबाद में लाखों लोग इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक कल 77 जगह ऐसी चिन्हित की गई है जहां ये त्योहार मनाया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के DM राकेश कुमार सिंह गुरुवार ने छठ की तैयारियों को लेकर जायजा लेने हिंडन नदी के घाट पर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि 19 तारीख से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि छठ महोत्सव समिति करहेड़ा के संस्थापक नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस साल बाढ़ आने से छठ के लिए बनाए गए सभी स्थल बह गए थे। इसके बाद उन लोगों ने खुद यहाँ तैयारियां शुरू की है। अभियान के तहत ये महापर्व छठ पूजा जो हमारा पवित्र पूजा है ये कैसे हम इसको पवित्र ढंग से मनाएं, मनाने की व्यवस्था करें, इसके लिए हमारे साथ प्रशासन के तमाम विभागीय अधिकारी चाहे नगर निगम हो, GDA हो, बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, ये सभी विभाग के लोग दिन रात एक करके व्यवस्था में लगते हैं तो हमारा छठ पूजा अभियान जो है सफल हो पाता है। अभी हमारा 19 तारीख 20 तारीख 17 तारीख से 17 18 19 20 ये महापर्व छठ पूजा अभियान का हमारा 4 दिन का पूजा होता है। अब उसका आज कार सेवा का कार्यक्रम है। कार सेवा का मतलब कि DM साहब प्रशासन के साथ आते हैं और इसकी व्यवस्था देख करके विधिवत इसका उद्घाटन करते हैं। कर दिया था, आज मैं वही देखने आया था कि अब तक क्या क्या काम पूरा हो गया है, क्योंकि छठ पर्व 19 तारीख को है तो 19 से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 12 तारीख को नॉर्मली गंगा जल जो है हरिद्वार में पूजा होकर के नहर में छोड़ा जाता है और उसी से लगभग 1500 क्यूशक पानी हमारे हिंडन में भी छोड़ा जाता है ताकि छठ पूजा के दिन तक जो है वो साफ़ सुथरा पानी लोगों को उपलब्ध रहे। शेष कार्य चाहे छठ घाट की सफाई से रिलेटेड हो, मोबाइल टॉयलेट्स लगाने से रिलेटेड हो, प्रकाश व्यवस्था यहाँ पे की जानी हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना की जानी हो या मेले के लिए फायर टेंडर लगाना हो। छठ पूजा के मद्देनजर शाहजहांपुर नगर में लोधीपुर और खन्नौद नदी स्थित घाट के किनारे नगर निगम की टीम ने छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही छठ पूजा को सफल बनाने के लिए नगर निगम टीम को निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा शुद्ध पेयजल, मोबाइल टॉयलेट के साथ साथ कूड़े के सही निस्तारण के लिए नील और हरे रंग की डस्टबिन की व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये जो घाट है अविकसित घाट है इसमें संपूर्ण व्यवस्था जो नगर निगम के द्वारा कराई जा सकती है हम लोग करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसकी सफाई हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है, इसकी जो लेबलिंग है लेबलिंग का कार्य चल रहा है और पानी अभी चूँकि पुल बनने की वजह से एक चैनल में पानी जा रहा है जो कि थोड़ा गहरा है तो गहरे में ना जाना पड़े इसके लिए उनके लिए उपयुक्त जो पानी की व्यवस्था है जो छठ के लोक महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी के मद्देनजर SDM CP पाठक और नगर पालिका अध्यक्ष ने गोमती नदी घाट सीताकुंड पर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। SDM ने EO नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि सभी घाटों की साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था करना सुनिश्चित करा जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए जो छठ पूजा पर्व में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगी और सभी घाटों की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में अपना योगदान देंगे। लेकिन यह पर्व जो है पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा और सिद्ध प्रसिद्ध पर्व है। जितने भी लोग हमारे बिहार से या अन्य जगह से रिलेटेड हैं जो सुल्तानपुर में पोस्टेड हैं या वहाँ से आए हुए हैं सारे लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। 19 तारीख की शाम को सूर्य अस्त का जो है दिया जाएगा, उसके बाद 20 तारीख को सवेरे सूर्य उदय का और रात से ही भीड़ शाम को 19 तारीख को यहाँ पर कम से कम 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ रहती है।
प्रति महिलाएं 36 घंटे तक निराजल व्रत रहती हैं, जो कि 20 तारीख को सवेरे सूर्य को। छठ पूजा का पर्व 19 और 20 तारीख को मनाया जाएगा, उसके दृष्टिगत यहां पर जो है तैयारियों के संबंध में आज अपर जिलाधिकारी महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, अध्यक्ष नगर पालिका महोदय और सभी लोगों के संबंधित लोगों के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर घाटों की व्यवस्था, यहाँ पर साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था और इसके साथ साथ नदी में लोगों को जब खड़े होते हैं उसके कहाँ तक जाएंगे, गहराई आदि पिलर वगैरह लगाने के बारे में चर्चा की गई है। सफाई आदि का काम अध्यक्ष जी करवा रहे हैं, लाइट की भी काम काफ़ी कुछ हो चुका है और जो भी अभी कमियाँ हमें नज़र आई हैं उसके 2-3 दिन में सारी तरह। अब खबर लखनऊ से है, जहां नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू की है, जिसके बाद लगातार बिजली कर्मी उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा और योजना का लाभ लेने के लिए अपील कर रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लखनऊ के GPRA विद्युत उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस मामले पर उपखंड अधिकारी विजय प्रताप तिवारी ने OTS के बारे में जानकारी भी दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।